नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। मुहर्रम का जुलूस और कांवड़ यात्रा को लेकर शांति कमेटी की हुई बैठक, आईजी समेत एसएसपी एसपी ग्रामीण रहे मौजूद। वहीं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शांति कमेटी में भाग लिया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली में मुहर्रम का जुलूस और कांवड़ यात्रा को लेकर शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई। आईजी आगरा जोन आगरा दीपक कुमार भी पहुंचे। एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी रणविजय सिंह, एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा, एसडीएम विवेक मिश्रा रहे मौजूद। वहीं इस मीटिंग में सीओ शिकोहाबाद सिरसागंज जसराना ने भी भाग लिया। मुहर्रम का जुलूस और कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई। कांवड़ यात्रा सोरों से बटेश्वर मार्ग मध्य प्रदेश तक जाने वाली कांवड़ यात्रा का मार्ग और मुहर्रम जुलूस मार्ग एक है। शांतिपूर्ण दोनों सम्पन्न हो इसीलिए बैठक का आयोजन किया गया। रिपोर्ट ऋषि पंडित। दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। तो जब वहाँ उनका पानी खत्म हो गया तो मौला हुसैन ने कहा, देखो तुम मुझे शहीद करने आए हो, मैं तुम्हें अपना पानी पिलाता हूँ। आपको पता है ये होता है डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब, ये होता है ह्यूमैनिटी का मतलब, इसे कहते हैं जस्टिस, इसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। आपको पता है कि करबला है क्या? आपको पता है ताजिया है क्या? ताजिया कहते हैं मौला हुसैन की कब्र की छवि बनाने के इनिशिएटिव पे यहाँ पे किस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। सर ने कल जब यहाँ आने की इच्छा व्यक्त की तो मुझे भी लगा कि शायद पहली बार शिकोहाबाद में अलीगढ़ के लेवल से मीटिंग हो रही है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब लोगों को सरकार धन्यवाद सबको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि एक बार आकर के जो हमारी छोटी छोटी जगहों की जो समस्याएँ होती हैं उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग इतनी गर्मी में यहां पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत देर से उस घोषक को देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि ये जो सभा है, मुझे इसके बारे में बताया गया था कि शिकोहाबाद में जो लोग हैं उनमें बहुत जोश है, और जब मैं तालियों की आवाज़ सुन रहा था तो मुझे लगता जोश नहीं है। आज साहब के द्वारा शिकोहाबाद के इस गांव में एक पीस कमेटी की बैठक मुहर्रम के मातमी जुलूस को लेकर के यहां पर बुलाई गई है। इसमें इनके द्वारा हमें एक कहा गया तो मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ। इस संबंध में जो भी लोगों की समस्याएं थी जिन जिन विभागों से, उसके बारे में लोगों ने अवगत करा दिया है। शासन की जो मंशा है शांति व्यवस्था को लेकर के, उसके संबंध में लोगों को बता दिया गया है कि अभी तक जो परंपरा यहाँ जो है शिकोहाबाद की, उस परंपरा में किसी प्रकार की कोई भी नहीं की जाएगी, और किसी के द्वारा कोई यदि गलत काम किया जाएगा या परंपरा झाट कर कुछ काम किया जाएगा तो पुलिस उस पर सख्त से कार्रवाई करेगी। एसएसपी साहब, एसपी रूरल इनके द्वारा ऑलरेडी सारे कोर्स एम्प्लॉय कर दिए गए हैं और अभी तक प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, और हमें उम्मीद है कि मीडिया के सहयोग से हमेशा की तरह से इस फिरोजाबाद जनपद में और शिकोहाबाद कस्बे में मुहर्रम का जो यह मातमी जुलूस है।